तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज देश के अंदर अब सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इन द ग्रीन एनर्जी, और ये अमाउंट लगभग 75,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जहां पर इससे देश के अंदर 4 गीगा फैक्ट्रीज को इंस्टॉल किया जाएगा और इससे भारत की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे भारत विश्व के 5वें स्थान पर आ जाएगा इन द ग्रीन एनर्जी। तो दोस्तों कल के दिन यानी कि गुरुवार को अरबपति मुकेश अंबानी जी ने अगले 3 वर्षों में सोलर सेल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरीज और भी डिफरेंट टाइप के ग्रीन एनर्जी पर फोकस करने वाले सभी प्रकार के प्रोजेक्ट्स पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है, जहां पर देश के अंदर 4 गीगा फैक्ट्रीज को इंस्टॉल किया जाएगा। जिसमें बात करें हम सोलर्स के बारे में, तो यहां पर 100 गीगावाट के सोलर का उत्पादन किया जाएगा, जहां पर जो ज्यादातर गाँवों में रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, यानी कि इससे बड़ा फोकस किया जा रहा है हमारे विलेजेस एरिया में, जहां उन तक भी अच्छी और रिन्यूएबल एनर्जी पहुंच सके। और नेक्स्ट गीगा फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाएगा बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी, या फिर कह ले बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, जिससे एनर्जी को स्टोर करके अदर टाइम पे इस्तेमाल किया जा सके। इसी के साथ में हाइड्रोजन फ्यूल के लिए भी एक अलग से फैक्ट्री लगाई जाएगी, जिसमें ओनली हाइड्रोजन फ्यूल पे फोकस किया जाएगा, ताकि आने वाले फ्यूचर में हम हाइड्रोजन फ्यूल पर भी स्विच कर सकें और पेट्रोलियम जैसी चीजें हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट ना करनी पड़े। और सबसे जरूरी चीज आप लोगों को यहाँ पर बताएं तो ये कहा गया है कि तो मैन्युफैक्चर किया जाएगा एंड इंटीग्रेट किया जाएगा क्रिटिकल कंपोनेंट्स इन द रिन्यूएबल एनर्जी में जो भी इस्तेमाल होते हैं। और बात करें इस पूरे 75,000 करोड़ के बारे में, तो इसमें 60,000 करोड़ से सिर्फ 4 गीगा फैक्ट्रीज को लगाया जाएगा और बचे हुए 15,000 करोड़ से एक वैल्यू चेन क्रिएट किया जाएगा, यानी कि पार्टनरशिप की जाएगी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के साथ, जिसमें इंक्लूडेड है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज। एंड द रिलायंस इंडस्ट्रीज टारगेट इज कि वो 2035 तक जीरो कार्बन का इमिशन करने में इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे। और जैसा कि हमने बताया कि इंडिया में जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का टारगेट है कि वो 2030 तक 450 गीगावाट का प्रोडक्शन करने में सक्षम हो जाएंगे, जिससे देश के अंदर 40% इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो ग्रीन एनर्जी पर बेस होगी, और जिससे हम विश्व के 5वें स्थान पर आ जाएंगे इन द ग्रीन एनर्जी। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा अभी तक ये नहीं बताया गया कि ये प्लांट्स एग्जैक्टली कहां पर लगाए जाएंगे, लेकिन काम किया जाएगा। दोस्तों ये भारत में होने वाली ग्रीन एनर्जी पर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और भी ऐसे ही मेड इन इंडिया वीडियोस देखने के लिए लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं, भारत के क्रांतिकारी स्टार्टअप की वीडियोस देखने के लिए आप राइट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।